प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ऋषभ कुमार एक बार फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल शारदा ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए मित्रों, आज हम बात करते हैं मैहर के त्रिकोण पर्वत पर विराजमान माता शारदे के बारे में। पूरे भारतवर्ष में मां शारदा का एकमात्र मंदिर सतना का मैहर में है, परंतु इससे पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूल ले और घंटी वाला बटन जरूर दबाए ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। आज हम आपको ऐसे की एक फेमस तीर्थ स्थल के बारे में बताएंगे जहां जाने से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यह स्थान है मैहर नगरी। मैहर देवी का मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में पड़ता है। लोग 1063 सीढ़ियां चढ़कर माता के दर्शन करने आते हैं। कहते हैं माँ हमेशा ऊंचे स्थानों पर विराजमान होती है। यह एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। मैहर में त्रिकुट पर्वत की ऊंची पहाड़ियों के ऊपर शारदा देवी का मंदिर है जो शहर के मध्य से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर है। वहाँ एक शारदा देवी की पत्थर की मूर्ति और शारदा देवी मंदिर के पास में स्थित प्राचीन शिलालेख है। मंदिर के पीछे पहाड़ों के नीचे एक तालाब है जिसे आल्हा तालाब कहा जाता है। यही नहीं, तालाब से 2 किलोमीटर और आगे जाने पर एक अखाड़ा मिलता है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आल्हा और उदल कुश्ती लड़ा करते थे। माना जाता है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री शिव से विवाह करना चाहती थी। उनकी इच्छा राजा दक्ष को मंजूर नहीं थी। वे शिव को भूतों और अघोरियों का साथी मानते थे। फिर भी सती ने अपनी जिद पर भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने जमाता भगवान शंकर को नहीं बुलाया, जिससे सती को बहुत कष्ट हुआ और उन्होंने अपने पिता दक्ष से इसका कारण पूछा तो दक्ष ने शिव को अपशब्द कहे। इस अपमान से क्रोधित होकर सती ने यज्ञ की वेदी में कूदकर अपनी जान दे दी। जब इस बारे में भगवान शंकर को पता चला तो उनका तीसरा नेत्र खुल गया और उन्होंने यज्ञ कुंड से सती के मृत शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और गुस्से में तांडव करने लगे। भ्रमण की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने ही सती के शरीर को 52 भागों में विभाजित कर दिया। जहाँ भी सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म सती ने राजा हिमवान के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। माना जाता है कि यहाँ माता सती का हार गिरा था और तभी से नाम मैहर पड़ गया। मैहर का मतलब माई का हार। आल्हा और उदल दो भाई थे। इन दोनों भाइयों का युद्ध दिल्ली के तत्कालीन शासक पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हारना पड़ा था, लेकिन इसके पश्चात आल्हा के मन में वैराग्य आ गया और उन्होंने संन्यास ले लिया था। कहते हैं कि इस युद्ध में उनका भाई वीरगति को प्राप्त हो गया था। गुरु गोरखनाथ के आदेश से आल्हा ने पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया था। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी यह आखिरी लड़ाई थी। मान्यता है कि माँ के परम भक्त आल्हा को माँ शारदा का आशीर्वाद प्राप्त था, लिहाजा पृथ्वीराज चौहान की सेना को पीछे हटना पड़ा था। माँ के आदेश अनुसार आल्हा ने अपनी साग हथियार शारदा मंदिर पर चढ़ाकर नोक टेढ़ी कर दी थी, जिसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया है। मंदिर परिसर में ही तमाम ऐतिहासिक महत्व के अवशेष अभी भी आल्हा व पृथ्वीराज चौहान की जंग की गवाही देते हैं। सबसे पहले आल्हा करते हैं माता की आरती। मान्यता है कि माँ ने आल्हा को उनकी भक्ति और वीरता से प्रसन्न होकर अमर होने का वरदान दिया था। लोगों की माने तो आज भी रात 8 बजे मंदिर की आरती के बाद साफ सफाई होती है और फिर मंदिर के सभी कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बावजूद जब सुबह मंदिर को पुनः खोला जाता है तो मंदिर में मां की आरती और पूजा किए जाने के सबूत मिलते हैं। आज भी यही मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आल्हा और उदल ही करते हैं। कहते हैं कि दोनों भाइयों ने सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। आल्हा ने यहाँ 12 वर्षों तक माता की तपस्या की थी। आल्हा माता को शारदा माई कहकर पुकारा करते थे, इसीलिए प्रचलन में उनका नाम शारदा माई हो गया। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम आदिगुरु शंकराचार्य ने 9वीं-10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। माता शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 560 में की गई थी। सभी भक्त मिलकर बोलिए शारदा माता की जय।